वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स। इंतहाई अफसोसनाक आपको हम ये एफआईआर के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, कातबे एफआईआर और तफ्तीश व साहब बहादुर वो क्या कर रहे हैं लोगों के साथ। आगे अभी अदलिया के मामला तो बहुत बाद के हैं, अदालतों की ख्वारी तो बाद की है, ये इनिशियल स्टेज पे जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है ये कब तब्दील होगा, हम कब इस गर्दाब से निकलेंगे। हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक जो इस वक्त करंट अफेयर्स की ये एफआईआर है जिस पे जुल्म क्या हुआ वो हम वन टू वन डीपीओ साहब को और आरपीओ शिवपुरा साहब से ये डिस्कस करेंगे और इस पे इंशाल्लाह पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जिन जिन जो जो इसके किरदार हैं, एक्टर हैं, इस जुल्म ये जुल्म ढाने वाले, वो इंशाल्लाह उनका पूरा बंदोबस्त होगा। तो जनाब आईजी साहब ये मुलाजा फरमाएं, ये एफआईआर है, ये 425/18 और कोर्ट राधा किशन का ये पुलिस स्टेशन है और कसूर डिस्ट्रिक्ट लगता है। इसके साथ जो हो रहा है, ये जो तफ्तीशी साहब बहादुर ना अदालत का कहना मान रहे हैं, ना अपने अफसरान का कहना मान रहे हैं और ना ही उन्हें कोई खौफ खुदा है, हम इस पे इंशाल्लाह हम बाद डीपीओ साहब से मिलेंगे, आरपीओ साहब से मिलेंगे और तवक्को बड़ी है, वी होप सो कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी बहुत बड़े दरवाजे को जाके नॉक करें। इंशाल्लाह अजीज, आरपीओ इज वेरी एंथुसियास्टिक, डीपीओ इज वेरी ऑनेस्ट जेंटलमैन और ये मामला हल होगा और जिन्होंने जुल्म किया है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने गड़बड़ घोटाले का उनको हिसाब देना होगा। मेहो साहब, हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा लगा, आपके सारे तालीमी मरहल बड़े अच्छे लगे। इंतहाई अफसोस है हमें, हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि आप जैसे बेशुमार वो सीनियर वकला जो लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं उनकी बेबसी के ऊपर भी हमें रोना ही आया है। हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, मेरी टीम आपके साथ है, हम इस पे ऊपर पूरा। हाँ, एक चीज का ज़हन में रखिए, मजलूम के साथ हैं हम इंशाल्लाह, और जालिम जो पुलिस जुल्म कर रही है हम आपके साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह यहाँ ऐसे ऐसे जानदार बेस्ट और बिल्कुल लायल पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जिनसे ये ठग किस्म के हैं वो डरते हैं। हम इंशाल्लाह पूरा इसका पीछा करेंगे और इस केस के बाद ये सबक सिखा देंगे तफ्तीशी को भी और जिस जिसने ज्यादती की है इंशाल्लाह वो यहां भी, इस जहान में भी और अगले जहान में भी वो उसको हिसाब देना होगा। द ग्रेट व्यूअर्स, आप लाइव विद वाईजे कमैना के साथ रहे, अ वेरी सीजन लॉयर, आपको सारा बता रहे थे, अपनी दास्तान बता रहे थे, अपनी माइग्रेशन से लेके तालीम तक बताया उन्होंने और फिर उन्होंने जो जिस तरह तालीम हासिल करते करते बामे सुरैया तक अपना सारा ये काले कोट तक पहुंचने के बाद फिर जो उनके साथ हो रही है उस पर भी हमने आपको शेयर करवाया। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, आप लाइव विद वाईजे के माना में डिफरेंट केसेस आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपसे हम फीडबैक लेंगे और जहां जहां भी कोई जुल्म हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, खसूसन पुलिस में, खसूसन कचहरियों में, तहसीलदार के दफ्तरों में, कलेक्टर के दफ्तरों में, रेवेन्यू के ऑफिस में, टैक्स के ऑफिस में, जहां जहां आपको तकालीफ का सामना है, दुख का सामना है, हम आपके साथ हैं। रहिए हमारे साथ अगले प्रोग्राम तक, अपने मेजबान यकूब जावेद कमैना और मोस्ट सीनियर एडवोकेट जनाब चौधरी नवाब अली मेहू साहब को, मेरी टीम कामरान खान हमारे सीनियर जो एनालिस्ट हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और कैमरामैन वकार यूनुस को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।